हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कमाल का होने वाला है। अगर आप ड्यू स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ कर रहे हैं, आपने ड्यू स्क्रीन रिकॉर्डर से अच्छे अच्छे वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाए हैं और आपने अपने कैमरा से अच्छे अच्छे वीडियो शूट किए हैं, वो वीडियोस आपको एडिट करना है, अच्छे अच्छे टेक्स्ट डालना है, आपको ट्रिम करना है, वो सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है कि इस एप्लीकेशन से अच्छे वीडियो एडिट हो सके, तो सच बात है कि ड्यू रिकॉर्डर से अच्छे वीडियो एडिटिंग होता है। यहाँ पर दोस्तों मैं इसका यूज़ करके बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, ड्यू को मैं ओपन कर लेता हूँ। ड्यू आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको ड्यू से वीडियो एडिट करना है तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एडिट वीडियो पर जाना है। आप एडिट वीडियो पर जाओगे तो आपके सामने आपके मोबाइल के अंदर जितने भी वीडियोस और फोटोज़ है वो यहाँ पर शो करेगा। बट दोस्तों, उसमें आपको वीडियो फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखिए, वीडियो एंड इमेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपकी गैलरी शो करेगा। आप अपने जो गैलरीज में आपने जो भी वीडियोस बना के रखा है वो यहाँ पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये वाली फाइल लेनी है तो मैं इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एडिट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि आप एडिट पर क्लिक करोगे तो आपको एक चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ड्यू का वाटरमार्क शो कर रहा है, इसे हमें क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है, वीडियोज़ के ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको एक वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। आप वहाँ पर जाएंगे तो अपने हिसाब से आप वॉल्यूम रख सकते हैं। आपका वॉल्यूम वीडियोस के अंदर अच्छे से सुनाई नहीं देता है किसी को, तो आप दो गुना भी कर सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छा नहीं है, आपको पसंद नहीं है, आपको कोई और म्यूज़िक डालना है, तो आप इसको ज़ीरो कर सकते हैं। चलो मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये सेटिंग्स करने के बाद आपको एक और चीज़ें करनी है। अगर आपको वीडियोस के अंदर कोई इंट्रो है, आउट्रो है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आउट्रो बना, मतलब आउट्रो बता सकते हैं। यहाँ पर प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो आप कोई और वीडियो उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। मैं बैक जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ट्रिम का है। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी वीडियो सिलेक्ट करते हैं तो पहले आपको ट्रिम करना चाहिए, क्योंकि आपका कोई ऐसा पार्ट है जो आपको किसी से बताना नहीं है। तो वीडियोस के अंदर कोई ऐसा पार्ट है, पिछला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, कहीं पर आपको कुछ बोलने में गलती की है, वो रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ट्रिम कर सकते हैं, यानी कि आप इस पार्ट को काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए, रिमूव मिडल, पहले तो ट्रिम, यहाँ पर ट्रिम का ऑप्शन में आपको बता देता हूँ किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पिछला पार्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको इस तरह से पिछला पार्ट जो रिमूव करके आप राइट पे क्लिक करोगे तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। आपको कोई मिडल का पार्ट रखना है, आपको पिछला आगे का पार्ट निकाल देना है, तो आप इस तरह से करके आगे का पार्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको मिडल का पार्ट निकालना है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रिमूव मिडल पार्ट पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बीच में आपको कोई मिडल वाला पार्ट है उसको आपको निकाल देना है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए, क्रॉप का ऑप्शन है दोस्तों। आप अपने हिसाब से ये जो एक्सपेक्टेड रेशियो होता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, चौथा, पाँचवा। अब देखिए, आपको इतना ही पार्ट बताना है, यानी कि वीडियो फ्रेम है उतनी ही रखनी है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और भी छोटी कर सकते हैं। चलो मैं फ्री कर लेता हूँ। और यहाँ पर अपने हिसाब से भी आप रख सकते हैं, यानी कि इतना ही पार्ट रखना है तो आप इतना ही रख सकते हैं। चलो मैं क्लोज कर लेता हूँ। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आपको कोई म्यूज़िक ऐड करना है तो आप म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। म्यूज़िक ऐड करने के लिए आप प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके डिवाइस में जो भी म्यूज़िक है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके अलावा भी ऑनलाइन म्यूज़िक है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये बात थी म्यूज़िक की, तो आप इस तरह से म्यूज़िक भी उसमें डाल सकते हैं। चलो क्लोज करेंगे। उसके बाद आपको कोई टेक्स्ट डालना है,
वीडियोस के अंदर, तो आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए ये अपने हिसाब से कलर, टेक्स्ट साइज और मतलब आपको किस टाइप का टेक्स्ट रखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो टेक्स्ट भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से क्लोज करना है। अब देखिए ट्रांजिशन, दोस्तों आपको ट्रांजिशन डालना है तो इसके लिए आपको एक और वीडियो ऐड करना पड़ेगा तभी ट्रांजिशन होगा। रिवर्स, रिवर्स यानी कि मैं रिवर्स को रिवर्स नहीं करना चाहता क्योंकि ये जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला पिछला पार्ट, वो स्टार्ट से शुरू होगा। और आप फिर से यहाँ पर देखिए ये पार्ट रिवर्स करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ये जो पहला वाला पार्ट है वो वहाँ पर एंड होगा। तो आप इस तरह से रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अब प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जूम इन एंड जूम आउट, यहाँ पर कोई टेक्सचर भी डाल सकते हैं। अब इस मतलब आपको वो जो चीज़ बतानी है, कितने समय तक बतानी है, वो चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर इतने समय तक आपको जूम करना है तो जूम कर सकते हैं, इतने समय तक आपको जूम आउट करना है तो जूम आउट भी कर सकते हैं। तो वो भी फीचर आप इस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलो मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि वीडियो चलता है आपको कोई इमेज बताना है, यानी कि वीडियो बनाते हैं उसमें आप कोई इमेज के बारे में बता रहे हैं तो वो इमेज भी यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर फिल्टर, फिल्टर मतलब आप अलग अलग आपका वीडियो है उसको लाइट कर सकते हैं, इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि फिल्टर अलग अलग आप ऐड कर सकते हैं। इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं। इंट्रो आउटड्रो यानी कि आप अपने हिसाब से इंट्रो आउटड्रो भी ऐड कर सकते हैं। 2-3-4 सेकंड का होता है इंट्रो आउटड्रो। अब स्पीड, स्पीड यानी कि वीडियो फास्ट चलता है, स्पीड यहाँ पर आप स्पीड पर जाएंगे, प्लस पे जाएंगे और यहाँ पर 2x करेंगे तो वीडियो फास्ट चलता है। कन्फर्म कर लेता हूँ, देखिए ये फटाफट से वीडियो चलेगा। चलो इस इफेक्ट की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दोस्तों यहाँ पर नहीं शो करेगा जबकि यहाँ पर आपका जो वीडियो है वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या तो वर्टिकल होना चाहिए, मुझे मालूम नहीं है। वर्टिकल मतलब जो आप वीडियो स्क्रीन बनाते हैं इस टाइप का होना चाहिए, उसमें जगह होनी चाहिए तभी बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं। चलो मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। आप वीडियो को रोटेट मतलब वीडियो को उल्टा भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद स्प्लिट, आप स्प्लिट करेंगे यानी कि इस वीडियो का दो पार्ट कर सकते हैं, उसको काट के तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, दो पार्ट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे फीचर से ड्यू में आप ऐड करके वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।